हाय फ्रेंड्स, आज मैं मशरूम का जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसका मैं एक नया रेसिपी दिखा रही हूँ आपको। देखिए, वो नीचे वाला पार्ट ले लेंगे, उसमें एक चम्मच टर्मेरिक पाउडर डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। उसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स करने से जैसे धो लेंगे, अच्छे से धो लेंगे और पतीले बसा लेंगे। उसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम सरसों डालेंगे और फिर ऑनियन डालेंगे। उसको थोड़ा फ्राई करेंगे वो ब्राउन होने तक। देखिए, ऐसे ही बिल्कुल फ्राई करेंगे हम अच्छे से एकदम। देखिए, ब्राउन हो चुका है। हम अभी इसमें डालेंगे वो नीचे वाला पार्ट मशरूम का। देखिए, वो ऐसे करके ऐसे निकाल के हम डालेंगे। सारे ऐसे ही करके हम डाल देंगे। देखिए, मैंने जैसा डाल रही हूँ आप भी ऐसे ही करिए। सारे डाल दिए हैं मैंने। अभी मैं इसमें डालूंगी टर्मेरिक एंड नमक, मिर्ची का पाउडर। नमक स्वाद अनुसार उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्राई होने तक छोड़ेंगे। अभी हम कवर कर देंगे। देखिए, हमारा हो चुका है। यहाँ पे एकदम फ्लेम लो पे रखिएगा, नहीं तो वो लग जाएगा पतीले में। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर उसमें मैं सब्जी का मसाला डाल रही हूँ। आपके पास मशरूम का मसाला हो तो वो आप यूज करेंगे। ऐसे ही हम चलाएंगे। देखिए, मेरा एकदम हो चुका है। मैं अभी सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना, यम्मी। ये खाने में इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी है ना, पूछो ही मत। देखिए, मैंने गार्निश भी कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बाय।